बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, आपने मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में लोगों के अहले तशी हजरात को एक सजे हुए खूबसूरत घोड़े के साथ जुलूस निकालते तो देखा होगा, जो अक्सर मजलस के इख्तिताम पर बाहर निकाला जाता है। ये घोड़ा जुलजनाह कहलाता है। ना सिर्फ अहले तशी बल्कि बाद सुन्नी हजरात भी इस जुलजनाह नामी इस घोड़े के साथ एहतराम और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। दोस्तों, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि क्या जुलजनाह का जुलूस निकालना सही है या नहीं, क्योंकि हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जुलजनाह नामी घोड़े की तारीख बयान करना है, ना कि फिर कावराना तनाजात को हवा देना। दोस्तों, जुलजनाह को तारीख इंसानी के मशहूर तरीन घोड़ों में शुमार क्यों किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलजनाह से क्या निस्बत है? ये घोड़ा कहां से आया और हजरत इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद ये घोड़ा कहां चला गया? जुलजनाह ये कोई जिन था या फरिश्ता या फिर कोई आम घोड़ा था? जिस दफा की एक लाजवाब दास्तान रकम की, ये सब बातें आज की इस वीडियो में दोस्तों बताई जाएंगी। जुलजनाह इस घोड़े का नाम था जो मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था, और आप इस घोड़े की कमर पर सवार होकर 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी के दिन यजीदी फौजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि इसका नाम यानी जुलजनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तजवीज किया था। जुलजनाह के मानी दो परों वाला। रवायत के मुताबिक ये घोड़ा आप अलैहिस्सलाम ने हारिस नामी एक अरब से खरीदा था, जिसका नाम पहले मुर्तजस था। खरीदारी के वक्त ये घोड़ा कम सुन था, लेकिन इसके खदोखाल और जसामत आम घोड़ों के मुकाबले में काफी बेहतर थी। नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस वक्त बच्चे ही थे। जुलजनाह और इमाम आली मुकाम के दरमियान शुरू से ही गहरी उनसियत पाई जाती थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह प्यारा घोड़ा अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन को बतौर तोहफा अनायत फरमाया। जबकि एक और रवायत के मुताबिक मुर्तजस नामी ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर माल गनीमत हासिल हुआ था। मजीद एक और रवायत के मुताबिक ये घोड़ा मिस्र के बादशाहों मकूकस की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा पेश किया गया। ताहम तमाम ही सूरतों में ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसल से ही था हजरत इमाम हुसैन तक पहुँचाया गया। तमाम उम्र साथ निभाने के बाद करबला के मैदान में जान देने वाले साथियों के अलावा जुलजनाह ने भी अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत पेश किया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अपनी जान का नजराना पेश किया। 10 मुहर्रमुल हराम के रोज 3 दिन से भूखा प्यासा जुलजनाह तलूह आफ्ताब से लेकर जवाल आफ्ताब तक करबला के मैदान से अहले बैत और इमाम आली मुकाम के साथियों के लाशों पर से लेकर खैमों तक आ रहा था। दोस्तों, जब हजरत इमाम हुसैन यजीदी फौजियों के मुकाबले में तन्हा रह गए तो आप रुखसत आखिर करने के लिए अपने खैमे में तशरीफ लाए और मुदाने मुक्तल में वापसी के लिए जुलजनाह को एड़ लगाई तो थकन से चूर जुलजनाह आगे ना बढ़ा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये वफादार साथी ये जान चुका था कि आगे क्या वाक्यात रोनमा होने वाले हैं, लिहाजा इसने इमाम अली मुकाम को मुक्तल तक ले जाने से इनकार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने मोहब्बत से जुलजनाह की गर्दन पर हाथ फेरा और उससे कहा, ये तुम्हारी आखिरी जहमत है, इसके बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जुलजनाह ने अपने सर से मदद से अपने सिमो से लिपटी हुई सकीना की जानब इमाम आली मुकाम की तवज्जो मुबजल करवाई, जो रो रो कर जुलजनाह से ये दरख्वास्त कर रही थी कि मेरे बाबा को मुक्तल तक ना ले जाओ, क्योंकि जो भी वहां गया था वो जिंदा वापस नहीं आया था। हजरत इमाम हुसैन ने भी बीबी सकीना को बहला कर मैदान जंग का रुख किया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसी बहादुरी से जंग लड़ी कि गोया शेरे खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम जंग में दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हों। बला आखिर मुशय्यतुल अजीम के तहत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीदी लश्कर के हाथों शहादत के मर्तबे पर फायज हुए।
करबला में हजरत अमाम हुसैन की शहादत के बाद जुलचना अमाम अली मुकाम की दस्तार और तलवार जो जुल्करनैन अली के नाम से जानी जाती थी को लेकर खैमों की जानिब भिड़ा। यहाँ इसने बीबी जैनब के खैमे के पास आकर इमाम के शहीद होने की इत्तला दी, जिसके बाद बीबी जैनब खुद मुक्तल की जानिब गईं, जहाँ उन्होंने अपनी जान से अजीज भाई के सर कलम होने का मंजर देखा। करबला के मुकाम में जुलजनाह ने हजरत इमाम हुसैन का भरपूर साथ दिया। दुश्मन की जानिब से होने वाली तीरों की बौछार से शदीद जख्मी होने के बावजूद भी उसने हजरत इमाम हुसैन का आखिरी दम तक साथ न छोड़ा। जुलजनाह ने करबला में कई यजीदी फौजियों को कुचल कर मौत के घाट में उतारा। ताहम दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि हजरत इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद जुलजनाह कहाँ चला गया, ये बात किसी को मालूम नहीं। जुलजनाह से मुतल्लिक किताबों में बहुत सी रवायात में मिलता है, लेकिन ये सब इंतहाई गलत बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुलजनाह ने शहादत इमाम हुसैन के गम में निढाल होकर दयाए फरात में शलांग लगा दी और अपनी जान दे दी, तो कुछ मौरखीन लिखते हैं कि जुलजनाह ने अपने आका की शहादत के बाद रेगिस्तान की तरफ चला गया, जहाँ से वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। लेकिन अक्सर मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जुलजनाह की जिंदगी का खात्मा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के साथ ही हो गया था। तो जुलजनाह बेजुबान जानवर था, लेकिन इसने अपनी वफादारी और कुर्बतों के जरिए अपना नाम ता कयामत अहले बैत रसूल के साथ जोड़ लिया। दोस्तों, जुलजनाह की हकीकत से मुतल्लिक बहुत से मुसन्नफीन ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। कुछ के मुताबिक जुलजनाह कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि ये एक जिन था जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत के लिए था। जबकि बाद उलमाए किराम ने फरिश्ता करार देते हुए लिखा है, जिसे वाकया करबला का गवाह बनाना मकसद था। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि जुलजनाह का शजर नस्ब आगे चलकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घोड़े से जा मिलता है। दोस्तों, तमाम बातों में किसी न किसी कदर सच्चाई है, और कितना फसाना ये तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। दोस्तों, उम्मत मुसलमान की एक बड़ी तादाद, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, जुलजनाह की दी हुई कुर्बानियों और इसकी वफादारी के बायस इससे मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखती है। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से वाज़ह करवाना चाहूँगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों की पेशानियों के साथ क़यामत तक खैर व बरकत वाबस्ता रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।